मैं डॉक्टर जी कृष्णा, टारगेट विद आलोक के इस मंच ऑनलाइन मंच पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक नए टॉपिक को लेके मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूं। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान से संबंधित बातें होंगी। यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आप लोगों को किसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या दिक्कतें सामने आ जाती हैं। दो तीन बातों को लेके मैं चलता हूं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरुशास्त्र, अली गुरुशास्त्र इसी का नाम है। और तुर्की सत्ता के तहत आते हैं, यह तुर्की सत्ता के तहत आते हैं। और दूसरी बात है खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति। इस क्रांति को आप पकड़ेंगे, रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशन, आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन। पहली बात, हम इसे आमूलचूल परिवर्तन क्यों कहते हैं, हम क्रांति क्यों कहते हैं, रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, जबकि यह पहले भी तुर्की लोग ही सत्ता पे दिल्ली के बैठे थे और यह भी बैठ रहा है। इसके पीछे एक कारण है और वह कारण क्या है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। जिसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण किया। और आप देख रहे हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, एक 1191 और 1192। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज से करारी हार, पृथ्वीराज से करारी हार, और इसमें एक त्रासद भरी जीत थी। यह त्रासद किसके लिए था, भारत के लिए। और मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ेगा, चंदावर का युद्ध लड़ेगा, और गढ़वाल शासक, गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित करेगा, जयचंद को।
और 1192 के बाद अपने सिपह सालारों के बदौलत मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी के पास औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, अपने दासों को ही अपना पुत्र माना। एलदौज, कुबाचा, ऐबक, बख्तियार खिलजी, आप देख रहे हैं कि खिलजी नाम सबसे पहले अगर मिला है तो यहां पे, और मैं खिलजी क्रांति की बात कर रहा हूं। इन्हीं सिपह सालारों के बदौलत यह कभी चमका, और ऐबक ऐबक गद्दी पर बैठता है। ऐबक गुलाम है। ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश यह ऐबक का गुलाम है, लेकिन यह अपने मालिक से पहले, अपने मालिक से पहले दासता से मुक्त हो गया, दासता से मुक्त हो गया। और इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा, बलबन को खरीदा। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, एक गुलाम का गुलाम कौन था? तो याद रखिएगा, एक गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो चुका है और बलबन को किसी दास्ता का शिकार शासक नहीं खरीदा है, बल्कि दास्ता से मुक्त किसी शासक ने बलबन को खरीदा है। पहला प्रश्न यहां पे बनता है, और बलबन उसी परंपरा का है, उसी इलबारी तुर्क जनजाति से संबंधित है, लेकिन बलबन के बाद बहुत लोग आते हैं इल्तुतमिश से। मैं जब इल्तुतमिश स्पेशल्स पढ़ाऊंगा उसमें बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमको जाना कहां पे है? अलाउद्दीन खिलजी की क्रांति पे। बलबन ने सबसे पहले अपने राज दरबार में ईरानी परंपरा को लाया, लेकिन इल्तुतमिश अपनी शासन व्यवस्था में ईरानी परंपरा को लाया था। यह आपको माइन्यूट अंतर जानना होगा। यही कारण है कि इतिहास टफ होता जाता है, हर बातों में बारीकियां होंगी, और यह प्रवक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां पे जो बैठे हुए हैं पेपर सेटर्स, वे इसके महारथी हैं। और जब तक एक सूझबूझ वाले टीचर से अगर नहीं पढ़ते हैं तो यह सब आपके लिए मौत का औजार हो जाएगा। कै खुशरो, कैकुबाद, क्यूमर्श या गद्दी पर बैठते हैं। कैकुबाद, कैखुसरो, क्यूमर्श गद्दी पर बैठते हैं। क्यूमर्श बहुत छोटा है, मात्र 3-3.5 वर्ष का है। जब इसका संरक्षक बना था जलालुद्दीन खलजी, जलालुद्दीन खलजी, और यह जलालुद्दीन खलजी इसी का कत्ल करके इस पूरी व्यवस्था को समाप्त कर देगा, इस पूरी व्यवस्था को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। और जब कोई व्यवस्था
समाप्त होती है, जब कोई व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त होती है। वही खलजी क्रांति कहलाती है, वही खलजी क्रांति कहलाती है, वही खलजी क्रांति कहलाती है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी वृद्ध था, सत्ता पर बैठने की ललक तो थी, लेकिन सत्ता चलेगी कैसे, इसकी अकल उसके पास नहीं थी। ललक और अकल में अंतर होती है। ललक में अगर कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं लेकिन अकल नहीं है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। और जलालुद्दीन खिलजी को इसी कड़ा मानिकपुर में यही जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल कर देगा अलाउद्दीन खिलजी के लोग। अपने हाथ से वह कत्ल नहीं किया है, यह चाचा भी लगते थे और ससुर भी लगते थे। और इसके पीछे क्या थी महत्वाकांक्षा, यह अलाउद्दीन खिलजी दो चीज बनना चाहता था, सिकंदर द्वितीय बनना चाहता था और एक धर्म चलाना चाहता था। और कहा जाता है कि चाहे वह अकबर हो चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, यह दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यह कहता है कि मैं अनुभव की पाठशाला में पढ़ा हूं। अनुभव की पाठशाला सामान्य नहीं होती है। और वह अनुभव उसे सीखा कैसे, विकट परिस्थितियों में। और कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। इसीलिए इसको सिकंदर ए शानी कहा गया। इसके कोतवाल ने इसको समझाया कि पहले हिंदुस्तान को ही फतह कर लो ना, इसके बाद दुनिया की बात करना। हिंदुस्तान के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को ही कवर कर लो और यह देवगिरी पर आक्रमण करता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र। देवगिरी का अर्थ क्या होता है, देवताओं की पहाड़ी। और यहां से उसको अपार संपत्ति मिली और यहां पर देवगिरी के यादव और उस यादव में रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव जैसे लोगों का जब इसे वरद हस्त मिला तो इसकी महत्वाकांक्षाओं में और पर लग गए, इसकी महत्वाकांक्षाएं और कुलाचे मारने लगी। और वही के पैसे को जब यह लेके प्रयागराज पहुंचा और अपने भतीजे और दामाद से मिलने की ललक ने इसको मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों ने समझाया, इसके भांचे अहमद चप थे, बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन बर्नी कहते हैं कि मौत ने इसकी चूल को पकड़ के कड़ा तक ले गया। और कहते हैं कि अभी इसके मस्तक से खून टपक ही रहे थे कि दिल्ली सल्तनत का राजसी चदोबा इसके मस्तक पर था। ऐता था अलाउद्दीन खिलजी।
तो आप देख रहे हैं यही क्रांति है, यही क्रांति है। लेकिन यहां पे प्रश्न टफ बनते हैं, वहीं पर मुझको लेके आना है आपको, और आप देखेंगे 1299 और 1299 में आप देख रहे हैं कि यह गुजरात की विजय करेगा, यह गुजरात की विजय करेगा। लेकिन वह लूट चुका है, अभी गद्दी पे नहीं बैठा था, गद्दी पर बैठने के बाद यह गुजरात विजय किया है 1299। 1300 रणथंभौर विजय करेगा, 1303 चित्तौड़ विजय, 1305 मालवा विजय। रणथंभौर की विजय पर जलालुद्दीन खिलजी ने भी अटैक किया था, लेकिन जब रणथंभौर पे पहुंची, राजस्थान जब सेनाएं पहुंची, तो रणथंभौर के भयानक किले को देख के इनके रोंगटे खड़े हो गए कि अगर इन किलों से अगर राजपूत निकले तो क्या कंडीशंस होगी। और वृद्धावस्था में वह नहीं चाहता था कि अपने लोगों का इतनी संख्या में उनका कत्ल करवाए, और कहा था कि मेरे या मुसलमान भाइयों के एक एक रोम इस किले से बढ़ के हैं। लेकिन कभी अलाउद्दीन खिलजी नहीं सोचा किस तरह हम भगोड़ा बने, और आज 1299 के गुजरात विजय के बाद इसने क्या कर दिया, तय कर लिया कि मुझको रणथंभौर, और जब तक रणथंभौर नहीं विजय हो पाई तब तक हम उत्तर भारत में मजबूती से रह नहीं पाएंगे, यह राजपूत नहीं रहने देंगे। और राजपूत ही क्या करेंगे, या रहने देंगे या तो गर्दन काट लेंगे। और 1303 में चित्तौड़ विजय और 1305 में मालवा विजय। तो आप देख रहे हैं गुजरात पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं यह गुजरात, यहां पे रणथंभौर, और फिर यह मालवा होते हुए यह कहां पे आएगा, आपके दिल्ली में, और आपका यह महाराष्ट्र होगा, यहीं पे गोवा होगा, और यहीं से आपके लोगों का कर्नाटक शुरू होगा। विजयनगर या आपका जो रामचंद्र देव यादव वाला इलाका है, यह देवगिरी यहीं पर है। तो यहां से इसने क्या किया था, यहां लगभग यहां पे यह पहुंचा था जो आपका कड़ा है, क्योंकि यह हम लोगों का प्रयागराज क्षेत्र होता है, दिल्ली है फिर आपका। तो आप देख रहे हैं कि जब तक यह जीतेगा नहीं तब तक यह सकंदर शानी नहीं कहला पाएगा। तो आप यह कंडीशन देख सकते हैं। आप लोगों को यहां तक लाने का मेरा उद्देश्य क्या है, इतनी तो बात आप याद रखे हैं, लेकिन माइनस मार्किंग का जमाना है और तमाम तरह के आप पर कंपटीशन को टफ बनाने के लिए और भी तमाम तरह के बैन लगाए जाएंगे और भी क्रिटिकल्स होंगे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, और आप उठा के देख सकते हैं, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या उससे भी ऊपर के एग्जाम्स में होंगे, पूछा क्या जाएगा, इसने सर्वप्रथम युद्ध कौन सा किया था। तो याद रखिएगा गुजरात अगर विकल्प नहीं होगा तो आप जानते रहेंगे रणथंभौर नहीं होगा तो चित्तौड़ और मालवा। या दक्षिण भारत पर भी विजय करेगा, जैसे
देवगिरी हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, तेलंगाना को वातापी भी कहा जाएगा, इन्हीं को वादामी भी कहा जाएगा। यह एक चीजें हैं और तेलंगाना के ही काकतीय कहलाते हैं, काकतीय। और यहीं पर द्वार समुद्र है, द्वार समुद्र यहां के होयसल हैं, जो अपने को होयसलेश्वर कहते हैं कि होयसल के हम ईश्वर हैं। और यहीं पर आपके क्या है, पांडे, पांडे, पांडे में दो हैं, एक वीर पांडे है, एक सुंदर पांडे है। और आप जानते हैं सुंदर पांडे ने सुंदर काम नहीं किया था, ये अपने पिता का हत्यारा है, ये भी अपने चाचा के हत्यारे हैं। दोस्ती बनेगी ना, या दौड़ के आएगा कि भैया जो तुम किए थे वही हम भी किए हैं, आओ दोस्ती कर लिया जाए। तो यह तो हो गया हम लोगों के दक्षिण भारत की कहानी, लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन से यहां पे बनेंगे। और एक बात याद रखिएगा, सब सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुए थे, लेकिन मंगोल आक्रमण को आपके इल्तुतमिश ने भी झेला, मंगोल आक्रमण आपका अलाउद्दीन खिलजी के पहले बलबन ने भी झेला। और अलाउद्दीन खिलजी के समय तो जैसे लगा कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा इन मंगोल आक्रमण में, कहीं दावा खा, कहीं सल्दी खा, कहीं कुतलुक खा, कहीं तर्गी खा, और अंतिम मंगोल आक्रमण होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके बाद कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुए हैं। इसने मंगोलों को खत्म करने के लिए विशेष सेना बनाई थी, अभी आप देखे होंगे पीजीटी में यह क्वेश्चन आया था। तो उसके करने का एक कारण है, जो इतना बड़ा अभियान कर रहा है, जो ऐसे ऐसे मंगोलों को खत्म कर रहा है, दक्षिण भारत में तूफान मचाया हुआ है, यही क्रांति है। किसी की औकात नहीं थी कि ऐसा कर ले, इसके लिए पैसे चाहिए, 80% इसने जीएसटी लागू किया, और इसने मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कैसे शासन व्यवस्था चलानी है इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। इसकी व्यवस्थाएं इतनी डेवलप थीं, इतनी आगे थीं कि इनकी औलाद योग्य नहीं थी कि उस चीजों को संभाल लें। बाजार व्यवस्था लागू किया। आज हम किसी वस्तु के निश्चित दाम की बात करते हैं, यह उस समय सोच लिया था, यह उस समय सोच लिया था। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, किनसे कौन सुमेलित है? तो याद रखिएगा, एक आपको ट्रिक बता देता हूं, यही इतिहास में याद रखिएगा, लगाम बहुत जरूरी है। अगर आपने वह लगाम नहीं अगर तैयार किया, यह बिगड़ैल घोड़ा है, इसके लिए बिगड़ैल सवार चाहिए, जो इसको बैठाने वाला हो वह सबसे माहिर हो, तब आप इसको नियंत्रित कर पाएंगे। एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, और वह क्या होगा, गुज गुजरातम, गुजरातम माने इस गुजरात में क्या करिएगा, केवल म जोड़ दीजिएगा। और मैंने क्या कहा, सबसे पहले उसने गुजरात पे अटैक किया, गुजरात के बाद, तो याद रखिएगा गुज माने दो अक्षर आप छोड़ेंगे, तो याद रखिएगा र को ही आप इसको रणथंभौर करेंगे, और याद रखिएगा त का मतलब यह चित्तौड़, और म का मतलब मालवा।
मालवा। और यहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अब वह बात कर ले तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 1299 और गुजरात, सबसे पहले उसने आक्रमण कहां पे किया था। अगर इन चीजों को अगर आप दिमाग में रखते हैं और मेरे साथ चलते हैं, नो डाउट जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, कितना आपने एमए किया होगा, नेट किया होगा, सीटेट किया होगा, बीएड किया होगा, पूरी उम्र आपने झोंक दिया होगा केवल एजुकेशन में, और ताज न बधे तो फिर बेकार है। टारगेट विथ आलोक, किसान लाइनमैन पे डॉक्टर जी कृष्णा का आह्वान एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं डॉक्टर जी कृष्णा आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बेस्ट ऑफ लक।